राधे राधे मित्रों, माँ भगवती के ही स्वरूप मानी जाती हैं माँ शाकंभरी। और माँ शाकंभरी के तीन प्रमुख शक्तिपीठ हैं इस देश में। दोस्तों, इन तीनों शक्तिपीठों से जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं जिनकी जानकारी हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश भर में माँ शाकंभरी के जो तीन शक्तिपीठ हैं, उनमें से पहला प्रमुख राजस्थान से सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास सकराय माता जी के नाम से स्थित है। दूसरा स्थान राजस्थान में ही सांभर जिले के समीप शाकंभर के नाम से स्थित है। और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास सहारनपुर में 40 किलोमीटर दूर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शक्तिपीठ से। दोस्तों, माँ शाकंभरी का पहला प्रमुख राजस्थान से सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास सकराय माता जी के नाम से स्थित शक्तिपीठ है। ये स्थान सकराय माता के नाम से प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव अपने भाइयों और परिजनों का युद्ध में वध करने के पाप से मुक्ति पाने के लिए अरावली के पहाड़ियों में रुके थे। युधिष्ठिर ने पूजा अर्चना के लिए देवी माँ शर्करा की स्थापना की, वही अब शाकंभरी तीर्थ है। श्री शाकंभरी माता का ये गांव सकराय अब आस्था का केंद्र है। सुरम्य घाटियों के बीच बना शेखावटी प्रदेश के सीकर जिले में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर सीकर से 56 किलोमीटर दूर अरावली की हरी वादियों में बसा हुआ है, झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के समीप। ये मंदिर उदयपुर वाटी गांव से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर आम्रकुंज, स्वच्छ जल का झरना और आने वाले भक्तों का मन मोह लेने वाली प्रकृति पाई जाती है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। विक्रम संवत 749 के एक शिलालेख प्रथम छंद में गणपति, द्वितीय छंद में नृत्य चंद्रिका एवं तृतीय छंद में धनदाता कुबेर की भावपूर्ण स्तुति लिखी हुई है। यहाँ देवी शंकरा, गणपति तथा धनस्वामी कुबेर की प्राचीन प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। इस मंदिर के आसपास जटाशंकर मंदिर तथा श्री आत्ममुनि आश्रम भी है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में यहाँ उत्सव का आयोजन होता है और साल भर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। दूसरा शक्तिपीठ राजस्थान में ही सांभर जिले के समीप शाकंभर के नाम से स्थित है। शाकंभरी माता सांभर की अधिष्ठात्री देवी हैं और इस शक्तिपीठ से ही इस कस्बे ने अपना नाम पाया है। सांभर की अधिष्ठात्री तथा चौहान राजवंश की कुल देवी शाकंभरी माता का ये प्रसिद्ध मंदिर सांभर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की सांभर झील भी शाकंभरी देवी के नाम पर प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार ये क्षेत्र असुर राज वृष पर्व के साम्राज्य का एक भाग था और यहाँ पर असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य निवास किया करते थे। इसी स्थान पर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह नरेश यायाति के साथ संपन्न हुआ। देवयानी को समर्पित एक मंदिर झील के पास स्थित है। यहाँ शाकंभरी देवी को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। समस्त भारत में शाकंभरी माता का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर यही है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि देवी की प्रतिमा भूमि से स्वयं प्रकट हुई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार शाकंभरी देवी चौहान राजपूतों की रक्षक देवी हैं। जब वन संपदा को लेकर होने वाले संभावित झगड़ों से सांभर प्रदेश के लोग चिंतित हो गए थे, तब देवी ने यहाँ पर स्थित इस वन को बहुमूल्य धातुओं के एक मैदान में परिवर्तित कर दिया था। तब इसे एक वरदान के स्थान पर श्राप समझने लगे थे लोग। लोगों ने देवी से अपना वरदान वापस लेने की प्रार्थना की, तो देवी ने सारी चांदी को नमक में परिवर्तित कर दिया था, ऐसी मान्यता है। यहाँ शाकंभरी देवी के मंदिर के अलावा पौराणिक राजा ययाति के दोनों रानियों देवयानी और शर्मिष्ठा के नाम पर भी एक विशाल सरोवर एवं कुंड भी विद्यमान है, जो यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में विख्यात है। तीसरा शक्तिपीठ माँ शाकंभरी का उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास सहारनपुर में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शक्तिपीठ में माता शाकंभरी देवी, भीमा देवी, भ्रामरी देवी और सताक्षी देवी भी प्रतिष्ठित हैं। कस्बा बेहट से शाकंभरी देवी का मंदिर 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर माता शाकंभरी कल कल बहती नदी की जलधारा ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के बीच में विराजती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाकंभरी देवी की आराधना करने वालों का घर
हमेशा अन्न के भंडार से भरा रहता है। यह माता अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी में विराजित माँ शाकंभरी देवी का यह प्रख्यात तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों, ये थे माँ शाकंभरी देवी के तीन प्रमुख शक्तिपीठ और उनसे जुड़े हुए रहस्य। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।